क्या हैं रंगीला फिल्म से रिलेटेड कुछ दिलचस्प बातें जो आप सबको जान लेनी चाहिए। आखिर आमिर खान ने इस फिल्म के बाद अपनी जिंदगी में क्या स्टैंड लिया था और इस फिल्म का पॉप कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों, ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, हर दशक में कोई ऐसा आता है फिल्म जगत में जो दुनिया को फिल्मों के स्टीरियोटाइप से छुटकारा देता है। सब उसकी फिल्मों का इंतजार करते हैं, जैसे अब की दशक में है निर्देशक राजकुमार हिरानिया, श्रीराम राघवन, वैसे ही 90s में थे राम गोपाल वर्मा। दोस्तों, बता दूं कि उन्होंने अपने लंबे करियर में कई हिट फिल्में बनाई हैं। सत्या, सरकार, भूत जैसी फिल्मों के डायरेक्टर RGV को लोग उनके कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए आज भी बहुत ज्यादा याद करते हैं, तो क्यों ना उनका मजाक उड़ा। लेकिन एक समय में उन्हीं की फिल्मों में किरदार पाने के लिए टॉप स्टार्स भी बेताब हो जाते थे। इन्हीं में से एक प्रातिभ भवन एक्टर की बॉलीवुड में पहली हिट थी 1995 की रंगीला। दोस्तों, बता दूं कि फिल्म से अब तक सिर्फ चॉकलेट बॉय रोल्स करने वाले आमिर खान को एक नया किरदार मिला था, जिसको उर्मिला मातूंडकर के करियर को बदल कर रख दिया था। दरअसल रामू है साउथ के एक डायरेक्टर और इसलिए उन्होंने पहले भी साउथ में कई फिल्में की हैं। दोस्तों, बता दूं कि उस वक्त की सबसे महान एक्ट्रेस श्रीदेवी सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि साउथ की इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। श्रीदेवी ने राम गोपाल वर्मा के साथ तेलुगु फिल्म कशाना कशानम की थी, जो नागार्जुन के ऑपोजिट थी। उस फिल्म के लिए श्रीदेवी को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस साउथ का अवार्ड भी मिला था। RGV अपने कॉलेज दिनों से श्रीदेवी के फैन थे और उनके बारे में कोई भी बुरा रोल उसके साथ दंगे कर देता था, इसलिए उन्होंने अपनी ये फिल्म भी उनको ऑफर की, मगर श्रीदेवी ने फिल्म को मना कर दिया था। मगर श्रीदेवी से ऑब्सेस्ड रामू ने इस फिल्म में श्री के लिए कई रेफरेंसेस डाले। उर्मिला इस फिल्म में एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का रोल निभा रही थी। जब वो पहली बार एक फिल्म पार्टी में जाती है तो वहाँ एक शराबी प्रोड्यूसर आके बोलता है कि मैंने श्रीदेवी को स्टार बनाया है। रंगीला का टाइटल सॉन्ग बहुत मशहूर हुआ करता था। इस गाने के सीन्स की प्रेरणा भी श्रीदेवी की 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने कांटे नहीं कटते से ली गई थी। इन गानों को और भी ज्यादा सेंसुअस बनाने के लिए उर्मिला को भी वैसी एक साड़ी पहनने को कहा गया, मगर फिर रामू को लगा कि कुछ गड़बड़ लग रही है और तभी फिल्म के एक और हीरो यानी कि जैकी श्रॉफ ने अपनी शर्ट उतारकर बोला कि उर्मिला को ये पहनाओ। और गाने में उर्मिला ने सिर्फ उसी शर्ट को पहनकर शूट किया और गाना बहुत हिट हुआ था। दोस्तों, बता दूं कि फिल्म का सबसे फेमस सीन है आमिर खान का सीन, जब वो कहते हैं AC घुमाना जरा। तो दोस्तों, आमिर खान इस बार फिल्म फेयर अवार्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने लिए। आपने देखा होगा कि आमिर कभी भी अवार्ड शोज नहीं जाते, आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, क्योंकि जब 1995 के लिए आमिर के बजाय SRK को DDLJ के लिए फिल्म फेयर मिला था, तब उनको लगा कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है और 1996 के बाद आमिर ने कभी भी कोई अवार्ड शोज अटेंड नहीं किए। अब ये थी फिल्म रंगीला से जुड़ी कुछ अनकही और अनसरी बातें। आप हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस फिल्म का रीमेक अगर कभी बनता है, हालांकि बॉलीवुड को अभी रीमेक्स बनाना बंद कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये बनता है तो आप इसमें किसको देखना पसंद करेंगे। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। तो दोस्तों, हमारे आज के राइटर हैं साई श्रेष्ठ दास।